नमस्कार, मैं हूं पूनम। आप देख रहे हैं सूर्यादित्य न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। गाजियाबाद के मोदी नगर में एजुकेशन हब के नाम से मशहूर मोदी नगर अब अवैध खनन का अड्डा बनता जा रहा है। मोदी नगर के चारों ओर तेजी से अवैध प्लॉटिंग हो रही है। यह सीकरी कला, सीकरी खुर्द, सहारा रोड, हापुड़ रोड, फफराना रोड, निवाई रोड आसपास के क्षेत्रों में तेजी से अवैध कॉलोनियों काटी जा रही है। इन स्थानों पर बनने वाले मकानों के लिए मिट्टी भराव का कार्य खनन माफिया बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। गाजियाबाद के मोदी नगर में एजुकेशन हब के नाम से मशहूर मोदी नगर अब अवैध खनन का अड्डा बनता जा रहा है। मोदी नगर के चारों ओर तेजी से अवैध प्लांटिंग हो रही है। यहाँ सीकरी कला, सीकरी खुर्द, सहारा रोड, हापुड़ रोड, फफराना रोड, निवारी रोड आसपास के क्षेत्रों में तेजी से अवैध कॉलोनियां काटी जा रही है। इन स्थानों पर बनने वाले मकानों के लिए मिट्टी भराव का कार्य खनन माफिया बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। मोदी नगर में दिन रात बड़े बड़े हाईवे डंपर मिट्टी से भरे हुए आते जाते देखे जा सकते हैं। इन डंपरों द्वारा NGT के नियमों की भी सरेआम धज्जियां उड़ाई जाती है। मिट्टी से भरे डंपरों को खुला ही तोड़ाया जाता है, जिससे मिट्टी उड़ती है और वायु प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता है। सूत्रों के मुताबिक यह डंपर मिट्टी खनन माफिया 3,000 से 3,500 रुपए में उपलब्ध कराते हैं। इस तरह कस्बे में अवैध खनन का यह काम रोजाना लाखों का है। सूत्रों के मुताबिक मोदी नगर में खनन माफियाओं के लगभग 100 से ज्यादा डंपर एवं 25 से अधिक JCB अवैध खनन के काम में लगे हैं। इसके अलावा ट्रैक्टर ट्रॉलियां अलग से हैं। अवैध खनन से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अवैध खनन की एवज में खनन विभाग, पुलिस, तहसील से जुड़े अफसरों को मोटी रकम दी जाती है। वही स्थानीय लोगों के मुताबिक यह डंपर जहां अवैध खनन में लगे हैं, वही है इतनी रफ्तार से दौड़ते हैं कि इनसे हमेशा हादसे होने की आशंका बनी रहती है। स्थानीय लोग कई बार पुलिस एवं प्रशासन से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन मोटी रकम मिलने के चलते कोई भी कुछ कार्रवाई करने को तैयार नहीं होता। गौरतलब है कि वायु प्रदूषण को देखते हुए NGT ने खनन पर भी रोक लगा रखी है, लेकिन यहाँ तो अवैध खनन का खेल सरेआम जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्यादित्य न्यूज। आज के लिए खबरों बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।